बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हमने क्या करना है? आज हमने लीनियर सर्च करना है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने वी स्टडीड टिल दी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। आज हमारा गोल ये है कि हमने कोशिश करेंगे कि लीनियर सर्च कवर करें, एंड देन इसके साथ ही हम बबल सॉर्ट भी कर लेंगे, ठीक है। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल, एज द नेम सजेस्ट, लीनियर सर्च जो है एक सर्चिंग एल्गोरिथम है, ठीक है ना। सो इट इज ए ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है ना। इसको कहते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच, ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब ब्रूट फोर्स अप्रोच का मतलब है कि इट्स अ सिंपल सोल्यूशन, ठीक है ना। इट्स नॉट द मोस्ट एफिशिएंट मेथड, बट इट इज अ सिंपल सोल्यूशन, ठीक है ना। इजी टू इम्प्लीमेंट है, लेकिन जब कोड चलेगा तो इसकी रनिंग टाइम थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि आप देर आर मोर एफिशिएंट एल्गोरिथम्स दैट देर आर फॉर सर्चिंग, ठीक है ना। सच आपका बाइनरी सर्च है, आपके भी सिलेबस में नहीं, अगले साल आप पढ़ोगे। लेकिन बाइनरी सर्च का सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट ये होता है कि उसको अप्लाई करने के लिए आपकी जो एल्गोरिथम है, आपकी जो एरे है वो सॉर्टेड होनी चाहिए। सो इफ योर एरे इज अनसॉर्टेड रैंडम ऑर्डर में, तो आपके पास लीनियर सर्च के अलावा हल ही कोई नहीं। यू हैव टू गो फॉर लीनियर सर्च। विल हैव टू बी यूज्ड इफ दी एरे इज अनसॉर्टेड, ठीक है ना। सो ये आपके पास अनसॉर्टेड एरे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये अब ये जो आपके सामने नीचे एरे नजर आ रही है, इसको हम कह देते हैं माई एरे, ठीक है। और इसके अंदर आपका जो डाटा है, यू कैन सी हियर इज इन कम्प्लीटली अनसॉर्टेड फॉर्म, रैंडम ऑर्डर में डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इस लीनियर सर्च के एल्गोरिदम को बनाने के लिए हमारे पास वेरिएबल्स चाहिए। लेट्स लुक एट द वेरिएबल्स फर्स्ट, ठीक है ना। एक मेरे पास वेरिएबल होगा टू फाइंड, ठीक है ना। टू फाइंड, ये वो वेरिएबल होगा, ये वो वैल्यू होगी जो हम ढूंढना चाह रहे हैं। यूजर से इनपुट लेंगे व्हाट इज लुकिंग फॉर। से फॉर एग्जांपल, उसने 54 ढूंढना है तो 50 और इनपुट करेगा 27, या ऐसा कोई वैल्यू जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। वो जो भी उसने ढूंढना है सारे के अंदर से, वो ये आपको ढूंढ कर देगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक वैल्यू होगी इंडेक्स के नाम से, विच इज होल्डिंग दी करंट पोजिशन, यानी आपके इंडेक्स वैल्यू 0 से लेके 1 2 3 ऑल द वे टू 6 तक चल रहा है। यानी आपकी जो ये एरे है, इसका साइज 6 है, ठीक है। एंड देन आपके पास इसके अलावा मुझे से और कोई वेरिएबल नहीं चाहिए होगा, सो वी कैन गो फॉर इंटीजर टाइप वैल्यूज फॉर हियर, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मेरे पास अगला जो वेरिएबल होगा वो होगा फॉर योर बुलियन, ठीक है ना। यहाँ पे हम करते हैं फाउंड, इसका नाम कर रखते हैं फाउंड, एंड दिस इज गोना बी ऑफ टाइप बुलियन, ठीक है। ठीक है, बुलियन। अच्छा जी, अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो एफिशिएंट एल्गोरिथम है उसको हम यूज करते हैं टू फाइंड एन एलिमेंट। जी अरहम पूछें, अरहम पूछें, एक अरहम यू कैन स्पीक। बार अरहम कैन यू हियर मी? हेलो सर मुझे आ रही है वैसे आवाज। हेलो, यस आराम, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने आगे लेके चलना है इस एल्गोरिथम को, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, हमारा गोल क्या है कि हमने एक एफिशिएंट लीनियर सर्च का एल्गोरिथम बनाना है, ठीक है। अभी हमें जाहिर एक लूप चाहिए होगा जिसमें हम हर इंडेक्स पोजिशन के एलिमेंट को कंपेयर करेंगे विद व्हाट द यूजर हैज इनपुट। अब इफ आई एम डूइंग रिपीटेड कंपेरिजन, ऑब्वियसली मुझे एक लूप चाहिए होगा, और लूप जो है मुझे, सिंस इंडेक्स पोजिशंस पता है 0 से 6 तक, सो आई कैन गो फॉर अ फॉर लूप, ठीक है ना। फॉर लूप यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन उसका फॉर लूप का मसला ये होता है कि आपके पास जो है इट्स कैन रन अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। यानी कि मैं अगर फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट ढूंढ रहा हूँ जो कि तीसरी पोजिशन पे है, वाई डू आई नीड टू गो अहेड, ठीक है। मेरा लूप यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए। और ये ध्यान में रखना कि हमारी यहाँ पे अजम्पशन है कि आपकी एरे एरे के अंदर हर एलिमेंट जो है ना वो यूनिक है, उसके अंदर रेपिटेशंस नहीं है। सो फॉर एग्जांपल, आई वाज लुकिंग फॉर 12 एंड आई फाउंड इट, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, आगे कोई 12 तो होना नहीं है, तो मुझे आगे अपना लूप यहाँ पे खत्म कर देना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉर लूप जिसने फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स चलना है, हम एक कंडीशनल लूप लगाते हैं ताकि जब अगर उसको मजीद चलने की जरूरत नहीं है वहां पे आपका लूप टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। हम उसको कैसे करते हैं, नाउ लेट्स फिगर दैट आउट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम फाउंड वाले वेरिएबल को असाइन कर देंगे एज फॉल्स बिकॉज वी हैव नॉट येट फाउंड इट, ठीक है ना। मेरा पहला इंडेक्स पोजिशन जो है वो 0 होगा, सो आई एम गोना स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम इंडेक्स पोजिशन 0, ठीक है। एंड अब हम यूजर से इनपुट लेंगे कि वो ढूंढना क्या चाह रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डाल देते हैं, व्हाट आर यू
लुकिंग फॉर, ठीक है, लाइक दिस। और उसके बाद जो भी वो इनपुट करेगा हम टू फाइंड में स्टोर कर देंगे, एंड नाउ वी विल बिगिन आर लूप, ठीक है ना। अब हमारा लूप कब तक चलेगा? जब तक आपका फाउंड जो है वो फॉल्स है, जब तक आपका फाउंड फॉल्स है, एंड मीनिंग मुझे अभी तक मिला भी नहीं और मैं अपनी एरे के एंड तक भी नहीं पहुंचा, मेरा लूप चलता रहना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ढूंढ रहा हूँ 18, सो 18 यहाँ पे ढूंढा नहीं है, आगे जाएंगे आगे जाएंगे आगे जाएंगे, सो जब तक मुझे मिल नहीं जाएगा मेरा लूप चलता जाएगा। या इन केस मैं लुकिंग फॉर एन एलिमेंट व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज फॉर एग्जाम्पल 45, तो 45 चूंकि एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं ढूंढता जाऊंगा, हर पोजीशन को एक्सेस करूंगा, एंड सिंस आई विल नेवर फाइंड इट आई विल स्टॉप लुकिंग एट सम पॉइंट, और मैं कहाँ पे जाके रुकूंगा, दैट विल बी एट इंडेक्स पोजीशन 6, ठीक है ना। सो जब तक मेरा फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स एंड मेरा इंडेक्स जो है, जो कि मेरा इंडेक्स इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा इंडेक्स जो है लेस देन इक्वल टू 6 है, मेरा लूप चलता जाएगा, ठीक है ना। और लूप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक कंपैरिजन कर रहा हूँ। इफ माई एरे इंडेक्स पोजिशन इंडेक्स इज इक्वल टू इनपुट टू फाइंड, दैट मीन्स आई हैव फाउंड द वैल्यू, ठीक है ना, जिसमें मैं क्या करूँगा, फाउंड फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है ना। और एल्स में मैं क्या करूंगा, या बल्कि मैं कुछ भी नहीं करता, एंड इफ कर देता हूँ, ठीक है ना, एल्स में कर देता हूँ, चलिए लेट्स मेक इट दिस वे, एल्स कर देते हैं। एल्स में मैं क्या करूंगा, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन, यानी कि अगली पोजीशन पर जाकर चेक करें, ठीक है ना, एंड इफ। अच्छा, और यहाँ पे आपका एंड वाइल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं लूप से बाहर आता हूँ। अब बाय द वे लीनियर सर्च का ये एस्पेक्ट भी है कि आपने जहाँ से एलिमेंट आपको मिला है आपने वो पोजीशन भी आउटपुट करने के फाउंड एट दिस पोजीशन, ठीक है। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम लुकिंग फॉर द वैल्यू 27, ठीक है, मैं अपनी जीरो पोजीशन से स्टार्ट करूंगा, क्या माय एरे इंडेक्स पोजीशन 0 पर 27 पड़ा है? नहीं, आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई, आप एल्स पे इंडेक्स को पढ़ाएं। क्या 1 पे 27 पड़ा है? नहीं, आपकी कंडीशन फॉल्स हुई, एल्स पे इंडेक्स 2 पे पड़ी है? नहीं, आपकी एल्स कंडीशन फॉल्स हुई, सॉरी आपकी ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई, एल्स पे इंडेक्स +1 करें, अब 4 पे आ गए, इंडेक्स पोजीशन 4 पे मेरा 2 फाइंड 27 मिल गया मुझे, दैट मीन्स मेरा फाउंड ट्रू हो जाएगा। एंड व्हेन आई कम बैक अप एंड चेक फॉर दिस कंडीशन, मेरा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी बिकॉज मेरा फाउंड इज नॉट ट्रू, एंड सिंस दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कंडीशन कंटेनिंग ऑफ एन एंड इन बिटवीन, इसका दोनों ट्रू होंगे तो ये कंडीशन ट्रू होगी, इन विच केस जैसे ही मैंने ट्रू, मेरा फाउंड ट्रू हुआ, मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा। दूसरा केस है कि आप एक ऐसे एलिमेंट ढूंढ रहे हैं जो मिला ही नहीं आपको, ठीक है ना, मिलना भी नहीं है। सो आपका फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स जो है प्लस, यानी आखिरी इंडेक्स वैल्यू आपकी होगी 6, अगर वहां पे आपको नहीं मिला तो आपने इंडेक्स को इंक्रीमेंट करना है, दैट विल मेक इट 7। अब चूंकि 7 इज नो लॉन्गर लेस देन इक्वल टू 6, आपकी ये वाली कंडीशन बाहर क्या कहते हैं फॉल्स हो जाएगी, जिसकी वजह से आप लूप से बाहर आ जाओगे। सो व्हाट दैट मीन्स हियर इज कि आई विल एग्जिट द लूप बिकॉज ऑफ वन ऑफ टू कंडीशंस, या तो मुझे मिल गया होगा, या मैं अपने एरे को पूरा पास आउट कर चुका होगा, मैं अपनी एरे फिनिश हो चुकी होगी, ठीक है ना। इन एनी केस मैं बाहर आके सिर्फ एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, यानी मैं ट्रू पे बाहर आया हूँ, मेरा फाउंड ट्रू पे बाहर आया हूँ, तो मैं सिर्फ आउटपुट कर दूंगा द नंबर फाउंड एट उस वक्त की जो इंडेक्स पोजिशन थी। जाहिर है आप जैसी इन आपका फाउंड ट्रू होगा, आपका इंडेक्स इंक्रीज नहीं हुआ होगा, आप इसकी वजह से लूप से बाहर आ गए, तो लास्ट इंडेक्स पे जहाँ पे आपको मिला था आप उसी को रिटर्न आउटपुट कर देंगे, ठीक है ना। और अगर अगर ये कंडीशन फॉल्स है, दैट मीन्स यू एग्जिटेड लूप विदाउट फाइंडिंग द एलिमेंट, यहाँ पे आप आउटपुट कर देंगे नॉट फाउंड, सो ठीक है ना, और ये आपका एंड इफ हो जाएगा सिंपल, ठीक है ना। सो ये आपका एक सिंपल सा लीनियर सर्च एल्गोरिथम है। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा कि आपकी एरे का साइज जो है वो जितना मर्जी हो, आपका यहाँ पे सिर्फ आपने इधर एक चेंज करना है, ठीक है, यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में डालना चाहिए, वेरिएबल में भी डाल सकते हैं, मैक्स इंडेक्स या व्हाटएवर, ठीक है ना, इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन दिस इज बेसिकली कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द एरे, ठीक है। नाउ वर्किंग विद दीज एल्गोरिथम सच एज लीनियर सर्च और बबल सॉर्ट, एक अजम्पशन आपने लेके चलना है, आपने गौर किया होगा कि मैंने एरे डिक्लेयर नहीं की, वो इसलिए नहीं डिक्लेयर की बिकॉज एरे एग्जिस्ट करती है पहले से, उसके अंदर डाटा पहले से है, इफ एनीथिंग हैज डाटा इन इट बिफोर हैंड दैट मीन्स इट हैज बीन डिक्लेयर्ड बिफोर, ठीक है ना, और आपने सिर्फ उसके अंदर सर्चिंग करनी शुरू करनी है, ठीक है, समझ आ गई, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट एल्गोरिथम जो है दैट गोज फॉर बबल सॉर्ट, ठीक है ना। बबल सॉर्ट के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि बबल सॉर्ट में क्या हो रहा है।
ओके जी, एक बबल सॉर्ट की एग्जांपल करते हैं, फिर हम कोड खुद बनाएंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, सो दिस इज व्हाट अ बबल सॉर्ट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन एरे, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे, बाय द वे, बबल सॉर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम, एज द नेम सजेस्ट, इसमें अगर आपने अनऑर्डर्ड एरे को ऑर्डर में लेके आना है, यानी कि डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है, तो वहाँ पे आपका बबल सॉर्ट एल्गोरिथम अब यूज हो सकता है, ठीक है ना। देयर इज अनदर सॉर्टिंग एल्गोरिथम व्हिच इज नोन एज इंसर्शन सॉर्ट, और शायद एक और है, शायद आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन उसको मर्ज सॉर्ट करते हैं। लेकिन इंसर्शन सॉर्ट जो विल बी डिस्कसिंग इन पेपर थ्री, फिर हमारा जो सिलेबस का पार्ट है, दैट इज ओनली बबल सॉर्ट, ना इसको समझ लें। अच्छा जी, बबल सॉर्ट का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि आपके पास एक एरे है और उसके अंदर एलिमेंट्स अनसॉर्टेड है। व्हाट यू गोना डू इज यू गोना कंपेयर टू एलिमेंट्स एट अ टाइम, ठीक है ना। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं जीरो इंडेक्स लेके चलूँ, तो मैं जीरो और वन को कंपेयर कर रहा हूँ, वन और टू को कंपेयर कर रहा हूँ, टू और थ्री को कंपेयर करूंगा, सो एंड सो फोर्थ। सो फर्स्ट कंपेरिजन जो है मेरा जीरो और वन के साथ है। एज यू कैन सी हियर, दिस एलिमेंट, दीज टू एलिमेंट्स आर ऑलरेडी इन ऑर्डर। ऑर्डर कैसे हैं कि आपका जो जीरो पोजिशन पे छोटी वैल्यू है और वन पोजिशन पे बड़ी वैल्यू है, देयरफॉर नो स्वैपिंग इज रिक्वायर्ड हियर। उसके बाद अगली कंपैरिजन में आप वन और टू को देखें, देयरफॉर नो स्वैपिंग रिक्वायर्ड हियर एज वेल, बिकॉज 34 और नीचे आपका 98, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आपने 98 और 7 को देखा, अब इसमें आपके पास दोनों एलिमेंट्स में आउट ऑफ ऑर्डर नजर आ रहे हैं, विच मीन्स आपका 7 ऊपर जाएगा, 98 नीचे आएगा, ठीक है। सो आई यू कैन सी हियर, आई स्वॉप द 7 हियर एंड आई पुट द 98 हियर, ठीक है ना। ये आपकी स्वॉपिंग टेक प्लेस की है। उसके बाद आप अगले दो एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, दिस शैल बी 0, 1, 2 एंड 3 और 4, ठीक है। अब 3 और 4 को कंपेयर करना, अब आप 3 और 4 को देखो, तो इसमें भी आपको स्वॉपिंग की जरूरत है, तो 41 ऊपर चला जाएगा, 98 नीचे चला जाएगा, लाइक सो, ठीक है ना। उसके बाद आप 4th और 5th को कंपेयर करते हैं, इसमें भी आपको स्वॉपिंग की जरूरत है, 19 ऊपर जाना चाहिए, 98 नीचे आ जाएगा, लाइक दिस। फिर आप 5th और 6th को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे भी स्वॉपिंग की जरूरत है, जिसमें आपका 98 नीचे और 5 ऊपर चला जाएगा, एंड यू हैव रीच द एंड ऑफ द एरे, ठीक है ना। व्हाट यू हैव डन इज यू हैव डन वन पास ऑफ दिस होल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, आपने सिर्फ एक पास किया। और आप एक पास के बाद गौर करेंगे कि आपका जो लार्जेस्ट एलिमेंट, यानी कि इस एरे में 98 है, दैट हैज रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन, ठीक है ना। इस 98 का इसके अलावा कोई जगह नहीं बनती, ठीक है ना, दिस इज वेयर इट बिलोंग्स। सो वी कैन से हियर कि आफ्टर वन पास वन एलिमेंट हैज बीन ट्रूली सॉर्टेड, और बाकी अभी आपके पास रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो है वो अभी अनसॉर्टेड है। सो इसका मतलब है कि हमें मल्टीपल पासेस चाहिए होगा। रूल ऑफ थंब ये कहता है कि अगर आपके पास एन एलिमेंट्स हैं, तो आपको n-1 पासेस चाहिए होंगे। सो इन दिस केस यू कैन सी हियर, आई हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दिस इज 7 एलिमेंट्स, देयरफॉर एट मोस्ट आई विल रिक्वायर 6 पासेस। द वर्ड हियर इज एट मोस्ट, ठीक है। उसकी रीजन ये कि हो सकता है आपके पहले भी एलिमेंट्स सॉर्ट हो चुके हैं, लेकिन एट मोस्ट 6 से ऊपर आपको पासेस की जरूरत नहीं होती। ना ये आपके पास पर्टिकुलर एग्जाम्पल में एक बहुत ही अनसॉर्टेड एरे है, जिसमें आपको मैक्सिमम 6 पासेस लाजमन चाहिए होंगे, लेकिन हो सकता है अगर आपके पास इतनी अनसॉर्टेड एलिमेंट्स नहीं है, तो आप दूसरे तीसरे पास में भी सॉर्ट हो चुके हैं। दैट्स वाई वी हैव टू सॉर्ट ऑफ रेगुलेट कि हमारे पास अगर पासेस अननेसेसरली, हमें पासेस आगे नहीं चाहिए, मजीद पास की जरूरत नहीं है, तो हम आगे मजीद पास चलाएंगे भी नहीं। सो हम उसको कोई कंडीशनली इस चीज को हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है। एनी वे, सो आफ्टर द फर्स्ट पास यू कैन सी हियर 98 हैज रीच्ड दिस डेस्टिनेशन, एंड आफ्टर द सेकंड पास द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट 41 वो अपनी जगह पे आ गई, आफ्टर थर्ड पास थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू 34 अपनी जगह पे आ गई, फिर 25, फिर 19 एंड फिर 7, एंड आफ्टर 6 पासेस यू कैन सी हियर द एरे इज नाउ कंप्लीटेड सॉर्टेड, ठीक है ना। नाउ कुछ चीजों का आपने ख्याल रखना। पहली चीज, व्हेन आई एम कंपेयरिंग टू एलिमेंट्स एट अ टाइम, ऑब्वियसली इट्स समथिंग दैट आई एम डूइंग रिपीटेडली, सो आई एम गोना नीड सम सॉर्ट ऑफ लूप, ठीक है ना। और उस लूप ने, फॉर एग्जाम्पल, 0 और 1 को कंपेयर करना है, 1 और 2 को कंपेयर करना है, तो उसका जो काउंट उसको, और वी नो कि उसने फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स चलना है, लास्ट वन चलना है, तो इस कैन बी अ फॉर लूप। लेकिन उसका जो लूप की जो रनिंग साइकिल है, वो एक तरीके से हमने मॉनिटर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा अगर इस एलिमेंट्स, इस पूरे एरे के अंदर 6 एलिमेंट्स है, यानी कि 0 से लेकर 6, 7 एलिमेंट्स है, इंडेक्स पोजीशन 0 से लेकर 6 तक, तो मैं इस लूप को 0 से 6 तक नहीं चला सकता। उसकी रीजन ये है कि आई एम कंपेयरिंग द nth एलिमेंट विद द n+1st एलिमेंट। सो अगर मैं 0 से 6 तक चलाता हूँ, तो मैं 0 को 1 से कंपेयर करूंगा, ठीक है, 1 को 2 से कंपेयर करूंगा, 2 को 3 से कंपेयर करूंगा, 3 को 4 से कंपेयर करूंगा, 4 को 5 के साथ कंपेयर करूंगा, 5 को 6 के साथ कंपेयर करूंगा, और आखिरी साइकिल में जब n6 तक चलना है उसने, तो मैं 6th को 7th के साथ कंपेयर करूंगा, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हमारे पास ये वाला जो लूप है, हमने इसको एक स्टेप पहले रोकना है, ताकि उसकी आखिरी कंपैरिजन में
वो एक ऐसी इंडेक्स पोजीशन को एक्सेस ना कर रहा हो जो कि एग्जिस्ट ना करता हो, दिस इज अ रन टाइम एरर। इसको आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स एरर कहते हैं, कि आप एक ऐसी इंडेक्स पोजीशन को एक्सेस कर रहे हैं एरे के अंदर जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, एंड दिस इज अ रन टाइम एरर। तो इसको अवॉइड करने के लिए अगर आपके पास एन एलिमेंट्स हैं तो आपके पास इसको लूप को एन माइनस वन टाइम्स चलाना है ताकि आखिरी कंपेरिजन में आउट ऑफ जो इंडेक्स एरर ना हो, ठीक है। दूसरी चीज, एवरी वन पास एरर टेक प्लेस, एक एक पास कंप्लीट होने के बाद आपके जो एरे का एक एलिमेंट जो है वो आपका सॉर्ट हो जाता है। दैट मींस कि आपकी अनसॉर्टेड एरे का साइज एक एलिमेंट से कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगले पास स्टार्ट करने से पहले अपनी अनसॉर्टेड एरे का साइज एक एलिमेंट से कम कर दूंगा। नाउ दिस इज अगेन, दिस इज सॉर्ट ऑफ ए एफिशिएंसी कंसर्न, ठीक है ना। इसका अगर मैं ये काम नहीं करता ना तो मेरा फिर भी कोड चल जाना है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि मैं अगर फॉर एग्जाम्पल 98 इसके अलावा कहीं बिलोंग करता ही नहीं, देन वाई शुड आई बॉदर अबाउट कंपेयरिंग 98 अगेन, ठीक है। सो दैट्स वाई अगले पास में मैं कम अज कम अपने जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उस पर फोकस करूंगा और अपने कंपेरिजन में 98 को शामिल नहीं करूंगा। इट इज एन एफिशियंट कोडिंग मैकेनिज्म कि आप एक कंपेरिजन कम कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता एवरी आइट्रेशन में, एवरी पास में सॉरी, आप कंपेरिजन एक एक करके कम कर रहे हैं, और बिकॉज आपकी अनसॉर्टेड एरे एक एक करके कम होती जा रही है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये नहीं भी करते तो उसने ऊपर से नीचे तक स्वैपिंग जहाँ पे जरूरी है कर देनी थी, लेकिन आप जो है इस पॉइंट पे आके आपको स्वैपिंग, आपको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, इस पॉइंट पे आपको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। सो वी हैव टू मेक द कोड एफिशिएंट एंड वी स्टॉप इट वन स्टेप अहेड, ठीक है। नाउ अब इस पर्टिकुलर जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है बबल सॉर्ट का, इसमें आपको नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर चाहिए होता है। आपको याद होगा पहले मैंने जिक्र किया था कि नेस्टेड लूप में इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आउटर लूप किसी और किस्म का हो, अंदर वाला लूप किसी और किस्म का है। एंड यू विल सी दिस एग्जाम्पल राइट नाउ। हमारा जो आउटर लूप होगा दैट विल बी देयर टू कंट्रोल द नंबर ऑफ पासेस, और जो अंदर वाला लूप है दैट विल बी देयर टू कंट्रोल द नंबर ऑफ टू कंपेरिजन एट अ टाइम, ठीक है। सो अब मेरा जो बाहर वाला, बाहर जी सॉरी जी बाहर फॉर लगेगा ना और अंदर फॉर लूप, के फॉर लूप में बात सुनो, फॉर लूप लगेगा अंदर वाले लूप में जिसमें आप टू टू करके कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ये जो कंपेरिजन है ना ये मुझे हमेशा पता होंगी, बिकॉज मुझे साइज ऑफ एरे हमेशा पता होगा। लेकिन जो बाहर वाला लूप है जो पासिस कंट्रोल करने के लिए, उसको हम फॉर लूप नहीं रखेंगे। बिकॉज फॉर लूप का मतलब है कि उसने नंबर ऑफ पासिस जो है फिक्स्ड होंगे, लाजमन होना है, ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे कि बाहर वाले लूप को काउंटर कंट्रोल रखेंगे, सॉरी कंडीशनल रखेंगे, ताकि अगर मजीद पासिस की जरूरत नहीं है तो आगे आपका बबल सॉर्ट चलेगा ही नहीं। इट विल बी अज्यूम्ड कि योर एरे इज नाउ सॉर्टेड। इज दिस क्लियर? जी सर। ठीक ओके नाउ लेट्स स्टार्ट डिजाइनिंग द एल्गोरिथम फॉर बबल सॉर्ट, ठीक है। अच्छा जी, सो मेरी अजम्पशंस क्या है, लेट्स जस्ट क्वेरी आउट विद दिस एरे राइट हियर, ठीक है ना। एज यू कैन सी हियर, इस एरे का साइज जो है 0 से 6 तक है, एंड अगेन दिस एरे एग्जिस्ट, सिंस इसके अंदर डाटा है तो एरे एग्जिस्ट करता है। आपको डिक्लेरेशन के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं एरे की, बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। सो मेरी एरे का नाम हम वो अगेन माइल एरे या माइल स्ट्रक लेंगे, नो बिग डील, ठीक है, इट डजंट मैटर। लेकिन हमारे जो बाकी वेरिएबल्स हैं वो हमें जरूरत है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक वेरिएबल बनाएंगे एन का, एक वेरिएबल बना लेंगे हम मैक्स का, और एक और वेरिएबल बना लेंगे हम टेम्प का, एंड आई थिंक दैट इज अबाउट इट्स, ठीक है ना, ऑफ टाइप इंटीजर। अच्छा, उसके बाद मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा फ्लैग टाइप का स्वॉप्ड के नाम से, और ये आपका बूलियन होगा, या इसका नाम चेंज कर देते हैं, मोर मीनिंगफुल बनाते हैं मोर स्वॉप्स, ठीक है ना, लाइक दिस, और ये आपका बूलियन, ठीक है। अच्छा जी, नाउ मोर स्वॉप्स जो है प्रिंसिपल ये है कि हमारा जो बाहर वाला लूप है वो तब तक चलता जाएगा जब तक मोर स्वॉप्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे लूप एक दफा तो चलाना है ना बाहर वाला, तो मैं मोर स्वॉप्स को असाइन कर देता हूँ एज फॉल्स, सॉरी ट्रू, आई नीड मोर स्वॉप्स, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि एन को मैं मैक्स को असाइन कर दूंगा, मैक्स इंडेक्स पोजिशन शैल बी 6, बिकॉज मेरी एरे का साइज 7 है 0 से 6 तक, और एन की वैल्यू जो है मैं कर दूंगा मैक्स -1, ठीक है ना। अब एन मैंने जो बनाया है ना यहाँ पे, बाय द वे ये मैं इसको कैपिटलाइज कर देता हूँ बिकॉज मेरे को नीचे करे जा रहा है। ये जो मैंने एन बनाया है ना, दिस इज फॉर कंट्रोलिंग द इनर लूप जिसमें मैं 0 1 को, 1 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। तो माई एन शेल बी रनिंग
ओनली फ्रॉम 0 to 5 बिकॉज मेरा आखिरी कंपेरिजन 5th और 6th का होना चाहिए। अगर मैं उसको 0 से 6 तक चलाऊंगा तो वो 6th और 7th के चक्कर में पड़ जाएगा, जिससे आपका कोड क्रैश कर जाएगा, रन टाइम एरर आ जाएगा। दैट्स वाई हमने एन को इनिशलाइज किया हुआ है विद वन लेस वैल्यू। ठीक है, अच्छा जी, नाउ दिस इज माई आउटर लूप और इट्स गोना बी अ कंडीशनल लूप बिकॉज हमारे नंबर ऑफ पासेस जो है वो इट इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है ना, सो हम उसको काउंटर कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारा सिंपल यहाँ पे एक जो कंडीशन होगी दैट विल बी जब तक मोर स्वाप्स इज इक्वल टू ट्रू वी विल कैरी आउट मोर स्वाप्स। ठीक है ना, एंड इसके बाद आपने यहाँ पे लाइन लिखनी है। मैं भी आपको थोड़ी देर तक एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका पर्पज क्या है। हम क्या करेंगे, मोर स्वाप्स को साथ ही साइन कर देंगे फॉल्स। ठीक है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन व्हाई आई डिड दिस। ठीक है, आफ्टर डूइंग दिस आपका जो नेस्टेड लूप है वो स्टार्ट हो जाता है। और याद रहे कि नेस्टेड लूप जो है दैट इज गोना बी अ काउंटर कंट्रोल लूप जिसने एन नंबर ऑफ टाइम्स चलना है। सो हम क्या करेंगे, एक कोई काउंटर वेरिएबल बना लेते हैं x 0 to n, ये लूप चलेगा। ठीक है ना, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा ये लूप चला। अब यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ माई लिस्ट जो मेरी एरे का नाम है कि x पोजिशन पर जो वेरिएबल है जो वैल्यू है वो ग्रेटर है माई लिस्ट की x+1 से। ठीक है ना, सो अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल x इस वक्त 0 है तो मैं यहाँ पे सवाल ही पूछ रहा हूँ कि 0th पोजिशन वाली वैल्यू जो है क्या फर्स्ट से बड़ी तो नहीं। अगर 0th पोजिशन वाली वैल्यू फर्स्ट से बड़ी है तो मुझे स्वाप करना पड़ेगा। ठीक है ना, सो इफ दैट इज द केस देन आई शैल बी स्वापिंग। और स्वापिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टेम्प वैल्यू के अंदर रख दूंगा माई लिस्ट। जी जी नहीं, कुछ नहीं, कुछ अच्छा, नहीं। माई लिस्ट इंडेक्स पोजिशन की एक्स की वैल्यू, फिर माई लिस्ट इंडेक्स पोजिशन एक्स की वैल्यू के अंदर मैं रख दूंगा माई लिस्ट इंडेक्स पोजिशन x+1। ठीक है, उसके बाद माई लिस्ट इंडेक्स पोजिशन x+1 के अंदर मैं रख दूंगा माई लिस्ट, सॉरी टेम्प। ठीक है, सो इफ यू रिमेम्बर कि हमने पहले टेम्प क्या कहते स्वापिंग की वर्किंग डिस्कस की थी इन आर अर्लियर लेक्चर्स, तो मैं एक दफ़ा आपको दिखा भी देता हूँ वेरिएबल में कहाँ गया कहाँ गया। स्वापिंग स्वापिंग ये रहा, दिस इज वी डिस्कस दिस इन अ कपल ऑफ लेक्चर्स बैक जिसमें हमने स्वापिंग डिस्कस किया था। स्वापिंग जो है ना डायरेक्टली दो वेरिएबल्स के बीच में नहीं हो सकती, यू हैव टू इन्वॉल्व द थर्ड वेरिएबल। तो यहाँ पे भी मैं एग्जैक्टली वही चीज़ कर रहा हूँ कि आई एम स्वापिंग द कॉन्टेंट्स ऑफ इंडेक्स पोजिशन 0 with 1 विद द हेल्प ऑफ दिस टेम्पररी वेरिएबल। ठीक है ना, अच्छा, और अगर आपने स्वापिंग की है तो यहाँ पे मैं फ्लैग को अपने जो है मोर स्वैप्स को मोर स्वैप्स वाले फ्लैग को कर दूंगा ट्रू। ठीक है ना, एंड दिस विल बिकम एंड इफ, एंड यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका एंड फॉर। ठीक है ना, सो बेसिकली जब आपका नेक्स्ट होगा देन यू कैन बी कंपेयरिंग फर्स्ट विद सेकेंड, फिर नेक्स्ट होगा यू बी कंपेयरिंग थर्ड विद फोर्थ सो एंड सो फोर्थ। ठीक है ना, जब तक आपकी पूरी एरे जो है ना दो दो करके कंपेयर ना हो जाए। ठीक है, नाउ व्हेन आई हैव, और जहां जहां आपको जरूरत लग रही है कि आपने स्वापिंग करनी है और खासतौर पर जब आपकी एक्स एलिमेंट x+1 से बड़ी हो जाती है तो आप स्वापिंग भी कर रहे हो और आपने फ्लैग को ट्रू भी करते रहना। ठीक है, अच्छा, व्हेन यू आर डन विद वन पास, ठीक है, दिस इज बाय द वे द एंड ऑफ वन पास। ठीक है, राइट हियर, तो आपके एक पास खत्म होने के बाद मुझे पता है कि एक एलिमेंट अपनी टेस्टिंग पोजीशन में पहुंच गई है। ये 98 एक पोजीशन के अपनी एक पास के बाद अपनी जगह पे पहुंच गई है, विच मीन्स कि अब टाइम आ गया है कि मैं अपनी एरे का साइज एक कम, एरे का साइज तो कम नहीं करना लेकिन आपने अपनी कंपेरिजन कम करने, बिकॉज अब 98 को कंपेरिजन में शामिल करने की जरूरत नहीं है। सो देयरफॉर व्हाट विल डू हियर इज कि वी विल डिक्रीमेंट एन ताकि अगले पास में आप एक कम कंपैरिजन करेंगे बिकॉज आपकी एक एलिमेंट अपनी जगह पे पहुंच गई, लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी जगह पे पहुंच गई। ठीक है ना, एंड दिस इज बेसिकली योर एल्गोरिथम राइट हियर। ठीक है ना, अच्छा जी, नाउ ये आपका पूरा बबल सॉर्ट करा देता। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मोर स्वैप्स को फॉल्स, आपका मोर स्वैप्स ट्रू है और साथ ही एक पास स्टार्ट, ये आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट ऑफ न्यू पास। ठीक है, आपके न्यू पास स्टार्ट होने से पहले आप उसको फॉल्स क्यों कर रहे हैं, इसकी एक रीजन है। लेट्स जस्ट से कि आपने मोर स्वैप्स को फॉल्स कर दिया बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ पास एंड यहाँ पे आपका पास स्टार्ट हो गया एंड ड्यूरिंग द इंटायर पास, एट द इंटायर पास 0 का 1, 1 से 2, 2 से 3 कंपेरिजन पूरा पास आपने गुजार दिया लेकिन किसी भी पॉइंट पे आपकी ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। ठीक
ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट पे थ्रू आउट दिस एंटायर फॉर लूप ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, दैट मीन्स वन थिंग एंड वन थिंग ओनली, कि आपकी एरे सॉर्ट हो चुकी है, ठीक है, इट इज इन सॉर्टेड प्लेस पोजिशन, ठीक है ना, विच मीन्स, अब ये देखो मैं अगर आपके सामने ये एरे दिखाऊं तो इसकी किसी भी पोजिशन पे जीरो को वन से कंपेयर करें, स्वाप की जरूरत नहीं है, टू को थ्री के साथ, थ्री को फोर के साथ, फोर को फाइव के साथ, फाइव को सिक्स के साथ, किसी भी कंपेरिजन में आपको स्वापिंग की जरूरत नहीं है। देयरफॉर आपका अगर ये पूरी पास के अंदर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो आप इधर आएंगे नहीं, और अगर इधर आएंगे नहीं तो आपके पास से पहले जो आपने स्वाप को फॉल्स रखा है वो तो अभी भी फॉल्स ही रहा होगा, बिकॉज आपका पास मोर स्वाप्स ट्रू तब होता है जब आप स्वापिंग एक दफा करते हैं। अब आपने पूरे पास में अगर स्वापिंग की नहीं तो आपका पास से पहले फॉल्स था तो अभी भी फॉल्स रहा होगा, विच मीन्स व्हेन आई गो बैक टू स्टार्ट माय नेक्स्ट पास, मैं कंडीशन टेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा मोर स्वाप्स इज नो लॉन्गर ट्रू, इट इज एक्चुअली फॉल्स, दैट इज वाई आई विल एग्जिट द लूप। ठीक है, अगर आपने एक दफा भी स्वापिंग, आपकी एक दफा भी कंडीशन ट्रू ही होगी तो आपने स्वापिंग की होगी, बिकॉज ऑफ विच आपका मोर स्वाप्स के अंदर ट्रू आ चुका होगा, दैट मीन्स आफ्टर द इंटायर पास, दिस इज द एंड ऑफ द पास, व्हेन आई गो बैक एंड चेक माय व्हाइल कंडीशन, मेरा व्हाइल कंडीशन जो है वो अभी तक ट्रू होगा बिकॉज मोर स्वाप्स के अंदर ट्रू है, एंड आई विल गो अगेन, गो हेड विद द सेकंड पास आफ्टर दैट, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका पास स्टार्ट करने से पहले फॉल्स रखा, पूरा आपने पास गुजार दिया लेकिन कहीं पे भी आपके एलिमेंट्स आउट ऑफ ऑर्डर नहीं नजर आ रहे, दैट मीन्स आपका पास नो मोर स्वाप्स पहले भी फॉल्स था, अभी भी फॉल्स है, दैट मीन्स नेक्स्ट व्हाइल लूप से पहले जब आप कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी बिकॉज मोर स्वाप्स इज एक्चुअली फॉल्स, और आप लूप से बाहर आ जाएंगे, एंड दैट इज द एंड ऑफ योर सॉर्टिंग एल्गोरिथम विद ए कंप्लीटली सॉर्टेड एरे, ठीक है, एंड दैट इज द एंड ऑफ योर बबल सॉर्ट। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार? मैंने देखा था कि कुछ एल्गोरिथम में उन्होंने या माइनस वन कर क्या किया हुआ है? या माइनस वन कर दिया एक ही बात है, एक ही बात है, लेकिन ये वाला माइनस नहीं वन नहीं लगा ये कि वाला माइनस वन लगाया, या माइनस अगर वो वन से स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे माइनस वन किया हुआ होगा, वन से किया हुआ था, हाँ तो फिर मेक सेंस, वन से माइनस यहाँ फिर किया वाला क्या मतलब आपने ऊपर किया ना यहाँ? अच्छा हाँ, क्योंकि अगर आप लेट्स से चलें सही, अगर आपने वन से स्टार्ट करना है तो मेरी वन से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरे पास इंडेक्स पोजीशन जो है सेवन पे खत्म हो रहा है, तो मैं चाहूंगा वो सिक्स तक चले, चाहे आखिरी कंपैरिजन सिक्स और सेवन का हो, हमने तो उसको स्टार्ट ही जीरो से किया हुआ है ना, ठीक है ना। अच्छा दूसरी लेकिन बात, ये वाली चीज और वो वाली चीज एक चीज अच्छा दूसरी बात, उसने यहाँ पे नहीं किया हुआ था, हाँ तो फिर इसमें किया ठीक हुआ है, ठीक है सही है, आइदर यू डू इट हियर और यू डू इट दिस वे, दैट्स फाइन, ठीक है। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है ना वो ये कि ये क्यों हमने किया है, वो इसलिए ताकि अगले पास से पहले आपकी ये कह रहे छोटी हो जाए, ठीक है ना। अच्छा आप सबको समझ आई ये बात की? जी सर काफी आराम, एन माइनस वन इसलिए कि क्योंकि हाँ जी बोले, एन माइनस वन इसलिए करते हैं क्योंकि एक हमने ये वाला एक नहीं नहीं ये वाला जिसको हम मैंने श्योर हाईलाइट है किया कि हुआ है, सिंपल हो गया जिसको था। मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब फॉर लूप एंड हो गया तो इसका मतलब एक एलिमेंट हमने हर चीज से कंपेयर कर जी लिया है वो तो अपनी जगह पे उसको पहुंच करने गया, की जरूरत नहीं है उसको माइनस नेक्स्ट वन, कंपैरिजन बस में शामिल करने की जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई आप अपनी, बस ये बेसिकली आप अनसॉर्टेड कंपैरिजंस को एक एक कम कर रहे हैं, ठीक है। अगर 2D अरे यार टू डी एरे है, टू डी एरे या दो एरेज हो, 2D अरे हो टू डी एरे फिर हम रो और कॉलम कहलाते हैं तो सर इसमें आते हैं 2D अरे मैंने देखा नहीं अभी तक, देखो मैं एक देखा क्वेश्चन क्या उसमें देखो मैंने सर देखो 9618 के देखे थे कुछ पास पेपर उसमें नहीं नजर आया मुझे। कॉलम के हिसाब से उसको क्या कहते हैं अच्छा कंपेयर किया अच्छा था अच्छा बिलफर्ज, बिलफर्ज अगर ऐसा है ना तो फिर आपको जो ये एक जो स्वाप कर रहे हैं ना आप, ये पहले कॉलम के लिए कर रहे हैं ये नहीं और करवाते यही आपको स्वापिंग दूसरे कॉलम के लिए भी करना इसके है, अंदर एक फॉर लूप लगाते हैं नहीं फॉर लूप लगाने की जरूरत फॉर नहीं, कॉलम के लिए फॉर काउंट नहीं वन कितने कितने कॉलम्स हैं, अगर 3 कॉलम तीन कॉलम्स हैं, तीन कॉलम्स के लिए क्यों होगा, आप तीन दफा आप ये, हाँ वैसे ये भी हो सकता है कि आप किसके लिए एक फॉर लूप लगाते हैं जो तीन दफा चल रहा हो स्वापिंग का, उस ठीक है कॉलम पे हाँ पहुंचता है बिल्कुल सही, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि आपका पूरा एरे पूरा रो शिफ्ट होएगा, ठीक है ना। अगर आप खाली फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट के लिए कर रहे हो ना तो उसमें ये एक एलिमेंट तो आगे हो जाएगा आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन जो उसके साथ दूसरा एसोसिएटेड एलिमेंट है वो नहीं शिफ्ट हो रहा, यू हैव टू शिफ्ट दैट एज वेल, कॉलम जो दूसरे कॉलम है, अब वो चाहे फॉर लूप लगा के कर लो या एक और टेम्प वेरिएबल लगा के कर लो, ठीक है ना।
इसका एक एग्जाम्पल क्वेश्चन था, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। उसमें बेसिकली एक 2D एरे नहीं है बल्कि टू एरेज हैं, सेपरेट एरेज हैं, जिनको आपने सॉर्ट करना है। इसका मतलब है कि टू सेपरेट एरेज को सॉर्ट करने का मतलब ये कि आप पहले इसको भी सॉर्ट करेंगे और फिर उसके हिसाब से जो सॉपिंग है वो दूसरी एरे का भी करेंगे, ठीक है ना। चलें वो डिस्कस दैट क्वेश्चन लेटर। फिलहाल इस सिंपल बबल सॉर्ट की एल्गोरिथम समझ आ रही है, चलें ठीक है। जी सर। ओके, अब हमारे पास जो काम रह गया है वो इसके बाद लीनियर सर्च के बाद आ जाता है। वो डन विद लीनियर सर्च, वो डन विद बबल सॉर्ट, ठीक है ना। नाउ वी गोना गो टुवर्ड्स फाइल हैंडलिंग, ठीक है ना। एंड फाइल हैंडलिंग ठीक है, उस पे आते हैं, ठीक है ना। नाउ लेट मी रीजॉइन, उसके बाद में दोनों कंटिन्यू करते हैं। जी सर।